आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जानेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, किसकी क्या चार्जेस होती है, मास होते हैं, रेडियस होती है और डिस्कवरी किसकी किसने की। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल एलिमेंट, कोई चार्ज नहीं होता, उनको न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, और कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज के कुछ एलिमेंट्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज के एलिमेंट्स है जो चक्कर लगा रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल सी ई से होता है, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पी से होता है और न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एन से होता है। अब हम धीरे धीरे देखेंगे इन सबके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज की जो यूनिट होती है वो ऑलवेज कूलम होती है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। वैल्यू सेम ही होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹। न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल एलिमेंट्स होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो रेडियस है 1 फर्मी, 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻¹⁵ होती है। दोनों की जो रेडियस की जो वैल्यू है, जो रेंज है, 10⁻¹⁵ होती है। न्यूट्रॉन थोड़ा बड़ा होता है इससे, तो इसकी वैल्यू 1.8 × 10⁻¹⁵ के समथिंग होती है। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻³³ kg होता है। मास इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। थोड़ा प्रोटॉन का कम होता है, इधर थोड़ा ज्यादा होता है, इधर 26 होता है, 1.6726 × 10⁻²⁷ kg और इधर 1.6750 × 10⁻²⁷ kg। अब डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. टॉमसन ने की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की है। ऐसी अगर हम और डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस किस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन बना हुआ है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। और डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने की है अपना गोल्ड थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बच्चों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।